न्यूज लाइफ में आप सभी का स्वागत है। ये देखते हैं आज की खास खबर। आज ही के दिन पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की जीत से पहले भारत मुगल शासन की पड़ी थी नींव। जाने 21 अप्रैल का इतिहास क्यों है खास। 21 अप्रैल का दिन देश के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ लेकर आया। 1526 में वह 21 अप्रैल का ही दिन था जब काबुल के शासन खैरुद्दीन मोहम्मद बाबर और दिल्ली की सल्तनत के सम्राट इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई में बाबर ने जहां तोपों का इस्तेमाल किया, वहीं लोदी ने हथियारों की परंपरागत ताकत के दम पर जंग लड़ी। लेकिन बाबर की सेना संख्या में कम होने के बावजूद लोदी की सेना पर भारी पड़ी। इस लड़ाई में लोदी मारा गया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। तीसरे चरण के पहले कांग्रेस से बदली चुनावी रणनीति, अब मोदी पर करेंगे सीधा हमला। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के पूर्व कांग्रेस ने अपनी रणनीति के व्यापक उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार अब कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी पर तथ्यों के आधार पर सीधा हमला बोलेगी। इसका इरादा उस मोदी मिथि को तोड़ना है जो भाजपा और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी मतदाताओं के बीच पैदा करने में जुटे हैं। 2019 के चुनाव में भाजपा यह प्रचारित करने में जुटी है कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में जो भी मतदाता भाजपा के पक्ष में वोट देगा वह सीधा मोदी को जाएगा। प्रधानमंत्री स्वयं चुनावी सभाओं में यह नारा लगा रहे हैं। नतीजा, कांग्रेस ने अब सीधे मोदी को ही निशाना पर कर लिया। सिद्धू ने पीएम मोदी पर बोला हमला, इसकी शुरुआत आज कांग्रेस के धुआंधार प्रचार नवजोत सिंह सिद्धू ने की है। उन्होंने मोदी को निशाना साधते हुए उनकी नियत, निष्ठा और देशभक्ति पर सीधे सवाल उठाया। सिद्धू ने आरोप लगाया है कि मोदी पूंजीपतियों के साथ मिलकर उन्हें लाभ पहुंचा रहे हैं। इस पर लाभ के लिए वे सरकारी कंपनियों को बंदी करार पर धकेलने में जुटे हैं। 17 साल की रियान पराग राजस्थान के जीत में चमके, ठोके 29 गेंदों में 43 रन। स्टीव स्मिथ की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने जीत के ट्रैक पर वापसी करते हुए मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराते हुए इस सीजन में 90 मैच में अपनी तीसरी जीत दर्ज करते हुए अपने प्ले ऑफ की उम्मीदों को जिंदा कर रखा है। जीत के लिए मिले 162 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान ने स्टीव स्मिथ ने 48 गेंदों में 59 रन की जोरदार पारी और 17 वर्षीय युवा बल्लेबाज रियान पराग की 29 गेंदों में 43 रन की दमदार पारियों और चौथे विकेट के लिए 9 ओवर में 70 रन की साझेदारी की थी। मदद से राजस्थान ने 5 गेंदें बाकी रहते ही मैच 5 विकेट से जीत लिया। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।